नमस्व इस वीडियो में हम लोड शेयरिंग अप्रोच के ऊपर बात करने वाले हैं बट उससे पहले आपको दो चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहली चीज़ इस वीडियो में मैं जिन भी चीज़ों के ऊपर बात करूंगा सारी की सारी चीज़ों के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो आप उनके सहारे जहाँ पे जम्प करना चाहो वहाँ पे जम्प कर सकते हो और दूसरी चीज इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने बना के रखे हैं आपके लिए जिसमें आपको एग्जाम में आने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे और अगर आप इन आंसर्स को एग्जाम में लिख के आओगे तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एग्जाम में आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे नोट्स में आपको क्या सिलेबस मिलेगा और नोट्स कैसे परचेस करते हैं सारे के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसीलिए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और नोट्स परचेस कीजिए अब हम जम करते हैं लोड शेयरिंग अप्रोच के ऊपर अब आपको याद होगा कि लोड शेयरिंग अप्रोच से पहले हमने दो वीडियोज बनाए थे फर्स्ट वॉज ऑन लोड बैलेंसिंग अप्रोच एंड सेकेंड वॉज ऑन इशूज ऑफ लोड बैलेंसिंग अप्रोच जिसमें हमने अलग अलग पॉलिसीज पढ़े थे तो इसीलिए सबसे पहले हम थोड़े से लोड बैलेंसिंग अप्रोच के ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे जिससे आपको लोड शेयरिंग अप्रोच पढ़ने में थोड़ा सा मजा आएगा तो अभी लोड बैलेंसिंग अप्रोच क्या था हमारे पास तीन सर्वर्स थे और तीन टास्क थे और इन तीन टास्क को इन्ही तीन सर्वर्स में इक्वली डिवाइड करना था बस यही करना था बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स है सबसे पहला ड्रॉबैक इज दैट बहुत ज़्यादा ओवरहेड जनरेट होता है और दूसरा ड्रॉबैक इज दैट कि लोड बैलेंसिंग अचीव नहीं हो पाता बिकॉज नंबर ऑफ प्रोसेस इन अ नोड हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं एंड हमेशा नोड्स के बीच में एक टेम्पोरल अनबैलेंस रहता है अब इसीलिए पिक्चर में आता है लोड शेयरिंग अप्रोच अब लोड शेयरिंग अप्रोच के तीन बेसिक आइडियाज़ होते हैं फर्स्ट आइडिया इज दैट कि अगर दो नोट्स है और उनमें से एक नोट के पास दो प्रोसेस हैं और एक नोट खाली या आइडल बैठा है तो ये नहीं चलेगा बेसिकली यू कैन अज्यूम दैट कि नोट शेयरिंग अप्रोच का सिर्फ और सिर्फ एक एम या सिर्फ़ और सिर्फ एक मोटो है विच इज़ कोई भी नोड खाली या आइडल नहीं बैठना चाहिए या बेसिकली कोई भी नोड खाली या आइडल नहीं होना चाहिए सेकेंड बेसिक आइडिया इज दैट कि लोड शेयरिंग अप्रोच लोड बैलेंसिंग अप्रोच से बहुत ज्यादा सिंपल है एंड थर्ड बेसिक आइडिया इज दैट कि प्रायोरिटी असाइनमेंट पॉलिसी एंड माइग्रेशन लिमिटिंग पॉलिसी ये दो पॉलिसीज लोड बैलेंसिंग के वही दो पॉलिसी से सिमिलर है इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि मैंने इश्यूज ऑफ लोड बैलेंसिंग अप्रोच के ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें हमने अलग अलग पॉलिसीज पढ़ी थी तो उनमें से दो पॉलिसीज ये है प्रायोरिटी असाइनमेंट पॉलिसी और माइग्रेशन लिमिटिंग पॉलिसी तो वो दो पॉलिसीज और ये दो पॉलिसीज सेम है अब हम लोड शेयरिंग अप्रोच के अलग अलग पॉलिसीज को देखेंगे द फर्स्ट वन इज लोड एस्टिमेशन पॉलिसी अब इसमें क्योंकि लोड शेयरिंग अलगम एक नोड को कभी भी आइडल नहीं रखना चाहता और वो हमेशा ये अटैप्ट में होता है कि कोई भी नोड आइडल ना रहे तो उसके लिए उसे ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि एक नोड कितना ज़्यादा बिजी है उसे बस ये देखना है कि एक नोड बिजी है या आइडल है सिंपल सेकेंड से इज़ दैट कि इसमें चीज़ों को सिंपल रखा जाता है और बस टोटल नंबर ऑफ़ प्रोसेस को काउंट किया जाता है एंड थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि नोड पे कितना लोड है ये एस्टिमेट करने के लिए सीपीयू के यूटिलाइजेशन को मेजर किया जाता है अब हम जम करते हैं प्रोसेस ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर लोड शेयरिंग अलगदम मेनली नोड के दो स्टेट के बारे में कंसर्न करता है बिजी या आइडल और हर नोड की थ्रेशोल्ड वैल्यू वन पे सेट होती है और एक नोड रिसीवर नोड बन जाता है जब उसके पास कोई प्रोसेस नहीं होता और एक नोड सेंडर नोड बन जाता है जब उसके पास एक से ज्यादा प्रोसेस होते हैं अगर नोड्स आइडल हो गए तो वो इमिजिएटली एक नया प्रोसेस एक्सेप्ट नहीं कर सकते और इसीलिए प्रोसेसिंग पावर एक आइडियल नोड पे वेस्ट हो जाएगा अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि एक प्रोसेस को एक ऐसे नोड पे ट्रांसफर कर दो विच इज एक्सपेक्टेड टू बिकम आइडल और इसीलिए लोड शेयरिंग अलगोरदम थ्रेशर वैल्यू टू यूज करती है इंस्टेड ऑफ वन अब हम जम करते हैं लोकेशन ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर अब प्रोसेस हैज सेंडर नोड एंड रिसीवर नोड तो लोकेशन पॉलिसी डिसाइड्स इन दोनों में से सिस्टम में सूटेबल नोट ढूंढने के लिए कौन इनिशिएटिव लेगा तो अभी इसमें दो चीज़ें हो सकती है सबसे पहली चीज़ सेंडर इनिशिएट लोकेशन पॉलिसी मतलब बेसिकली अगर सेंडर ने इनिशिएटिव लिया तो क्या होगा फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि सेंडर नोट डिसाइड करेगा कि एक प्रोसेस को कहाँ सेंड करना है एंड सेकेंड पॉइंट हैवीली लोडेड नोट लाइटली लोडेड नोट्स के लिए सर्च करेंगे एंड सेकेंड सिनेरियो इज रिसीवर इनिशिएटेड लोकेशन पॉलिसी मतलब अगर रिसीवर इस चीज़ को इनिशिएट करेगा तो क्या होगा फर्स्ट पॉइंट इज दैट रिसीवर नोट डिसाइड करेगा कि वो प्रोसेस को रिसीव कहाँ से करना चाहता है एंड सेकेंड पॉइंट लाइटली लोडेड नोट हैवीली लोडेड नोट के लिए सर्च करेंगे अब हम जम करेंगे स्टेट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पॉलिसी के ऊपर लोड शेयरिंग अप्रोच में नोट्स के लिए ये नेसेसरी नहीं होता कि हर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो अपने स्टेट की इंफॉर्मेशन शेयर करे बट उन्हें बाकी के नोड्स का स्टेट जानने की जरूरत होती है जब वो या तो अंडरलोडेड है या तो ओवर है तो इसीलिए दो पॉलिसीज का इस्तेमाल किया जाता है फर्स्ट इज ब्रॉडकास्ट स्टेट चेंजेस अब इसमें क्या होता है इस पॉलिसी में नोट्स तभी स्टेट इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करते हैं जब उनका स्टेट चेंज हो जाता है सेंडर इनिशिएटेड पॉलिसी में यह मैसेज ब्रॉडकास्ट तब कैरी आउट होता है जब एक नोड ओवरलोडेड होता है और रिसीवर इनिशिएटेड पॉलिसी में यह मैसेज तब ब्रॉडकास्ट होता है जब एक नोड अंडरलोडेड होता है दैन सेकेंड इज पोल वन स्टेट चेंजेस अब पोलिंग मैकेनिज्म एक लार्ज नेटवर्क के लिए यूज होता है और पोलिंग मैकेनिज्म रैंडमली अलग अलग नोड्स को स्टेट इन्फॉर्मेशन के लिए पूछता है और ये वो तब तक करता है जब तक उसे एक काबिल नोड नहीं मिल जाता या तो तब तक वो ये करता है जब तक प्रोब लिमिट रीच नहीं हो जाती अब प्रोब का मतलब क्या होता है प्रोब का मतलब होता है बेसिकली प्रोबिंग प्रोबिंग मतलब इंक्वायरिंग क्लोजली इनटू समथिंग या यू कैन से बेसिकली सर्चिंग तो अभी यहाँ पे हमने पहले चार पॉलिसीज़ पढ़ लिए अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि प्रायोरिटी असाइनमेंट पॉलिसी और माइग्रेशन लिमिटिंग पॉलिसी ये लोड बैलेंसिंग के वही पॉलिसीज से सेम है तो मैं क्या करने वाला हूँ लोड बैलेंसिंग पॉलिसीज़ के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो में से वो दो क्लिप्स उठा के मैं इस वीडियो में अभी आगे डालने वाला हूँ जिनमें मैंने इन दो पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन किया है जिससे आपको वापस नहीं जाना पड़ेगा तो अभी आप आगे इन दो पॉलिसीज को एंजॉय करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा और मुझे फीडबैक देता है नाउ द नेक्स्ट इज प्रायोरिटी असाइनमेंट पॉलिसी इसमें कुछ रूल्स का इस्तेमाल होता है टू असाइन प्रायोरिटी टू द प्रोसेस एट पर्टिकुलर नोड तो पहले रूल का नाम है सेल्फिश इस रूल में लोकल प्रोसेस को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है या यू कैन से लोकल प्रोसेस को हायर प्रायोरिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू रिमोट प्रोसेस सेकेंड रूल का नाम है अल्ट्रस्टिक या यू कैन से अनसेल्फिश इसको अनसेल्फिश भी कहा जाता है इस रोल में रिमोट प्रोसेसेस को हायर प्रायोरिटी मिलती है या यू कैन से इस रोल में रिमोट प्रोसेसेस को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू लोकल प्रोसेसेस देन देर इज़ इंटरमीडिएट रूल इस रूल में अगर लोकल प्रोसेस का नंबर नंबर ऑफ रिमोट प्रोसेस से इक्वल या ग्रेटर है तो लोकल प्रोसेस आर गिवन हायर प्रायोरिटी देन रिमोट प्रोसेस नहीं तो रिमोट प्रोसेस वुड बी गिवन हायर प्रायोरिटी देन लोकल प्रोसेस नेक्स्ट इज माइग्रेशन लिमिटिंग पॉलिसीज दिस डिटरमाइंस द नंबर ऑफ टाइम्स प्रोसेस कैन बी माइग्रेटेड अब इसमें दो चीजें आती है एक होता है अनकंट्रोल्ड और दूसरा होता है कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड में क्या होता है इसमें प्रोसेस एन नंबर ऑफ टाइम्स माइग्रेट कर सकती है और कंट्रोल में क्या होता है इसमें एक प्रोसेस एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक ही माइग्रेट कर सकती है उससे ज़्यादा नहीं आई होप आपको ये सारी की सारी पॉलिसीज समझी होगी अब एक बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ ये जो तो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैंने सिखा के रखा है इस प्ले के अंदर अगर आप इस प्ले को पूरा का पूरा देखते हो और मेरे नोट्स के आंसर एग्जाम में लिखते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एग्जाम में तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे बाय बाय